हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब लोग भी अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक ब्लॉग फिर से मैं लाई हूँ। तो मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट करना मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से इस ब्लॉग को इधर ही स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो अभी हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट का अंदर। तो अभी है हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट। तो कोलकाता टू कहाँ जा रहे अभी तो सस्पेंस है, नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। और इस ब्लॉग को देखना और जो नेक्स्ट ब्लॉग है उसको भी देखना, तब पता चलेगा कहाँ हम लोग जा रहे, कहाँ कहाँ हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ट्रिप। तो अगला ब्लॉग में मैंने बता दिया था गलती से, ठीक है। जो पुराना व्यूअर्स है, जो पुराना सब्सक्राइबर है, उन लोगों को पता है, लेकिन नया जो व्यूअर सब्सक्राइबर है तो उन लोगों को नहीं पता है। तो देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। तो वेदांत को देखिए, बहुत ही एंजॉय कर रहा है, बहुत खुश हो गया। उसको पता नहीं कहाँ है, कहाँ जा रहे, लेकिन उसको ये पता है बाहर है, इसलिए बहुत ही एंजॉय कर रहा है। और देखिए, वेदांत हमको छोड़ के अपने पापा के पास चले गया है और दोनों मिलके चले जा रहे जल्दी जल्दी, और मैं पीछे ब्लॉग बनाते हुए आस्ते आस्ते जा रहे। तो चलिए अभी सामान वेट में चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, राइट साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ था, नॉर्मल लाइन था, और मेरे हस्बैंड के पास गोल्ड कार्ड था, इस वजह से बहुत जल्दी हो गया, लाइन भी ज़्यादा देना नहीं पड़ा है। तो अभी लगेज वेट में चढ़ा देने से हम लोग हो जाएंगे टेंशन फ्री। तो जल्दी से हो गया था और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो इधर हम लोग लगेज चढ़ा के अभी हम लोग इधर बैठ के है, थोड़ा सा हम लोग रील्स बनाया है, थोड़ा फोटो क्लिक किया, और भूख लगा था तो इसलिए पैन फ्राई मोमो लेके आया है। तो बहुत ही मज़ेदार था। और वेदांत को देखिए, वेदांत भी थोड़ा सा खा रहा है, चटपटा था इसलिए। तो देखिए इधर हम लोगों का जो फ्लाइट आप लोगों को दिखा रहे, तो हम लोगों का फ्लाइट था रात को 2 बजे। तो अभी बहुत टाइम है। तो मेरा ब्लॉग में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगी, क्या क्या ले जाने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी हम लोगों का बोर्डिंग पास मिल गया है, अभी हम लोगों का बोर्डिंग हो रहा है। तो चलिए अभी आपके साथ हम लोग भी जा रहे अंदर। तो आप लोगों को बताए देती हूँ, जो हम लोग जा रहे कोलकाता टू थाईलैंड। तो चलिए अभी हम लोग अंदर जाते हैं और सीट में बैठ के थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है, पहला ट्रिप है, और वेदांत का भी पहला ट्रिप है, वेदांत भी बहुत एक्साइटेड है। तो वेदांत जब छोटा था, 44 या 45 डेज़ का, तब वेदांत फर्स्ट फ्लाइट में चढ़ा था, लेकिन बहुत ही छोटा था, उसको कुछ याद भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है याद करना। तो अभी वेदांत मतलब बहुत ही एंजॉय कर रहा है और देख रहा है क्या है, हर चीज़ को देख रहा है और एंजॉय कर रहा है। वेदांत अपना ट्रिप बहुत एंजॉय किया था। तो देखिए वेदांत क्या कर रहा है अभी। तो देखिए वेदांत चेक कर रहा है कौन सा चीज़ कहाँ पर है, किस लिए यूज़ किया जाता है, वो अपना दिमाग लगा रहा है। और देखिए वेदांत का पापा अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और मैं खेल रही हूँ वेदांत का साथ। और देखिए वेदांत क्या निकाल रहा है। तो फ्लाइट में पहले से तो पिलो दे दिया था और ब्लैंकेट नहीं दिया था, तो फिर मांगा वेदांत के लिए ब्लैंकेट, तो फिर ब्लैंकेट दिया। वेदांत को देख के लग रहा है नहीं वेदांत पहला बार फ्लाइट में चढ़ा है, जैसे लग रहा है वेदांत हमेशा फ्लाइट में आता जाता रहता है, उसको सब कुछ पता है, जैसे सब कुछ अपना ट्राई कर रहा है, जैसे बेल्ट लगाना हो, बुक पढ़ना हो, ट्राई कर रहा है बुक में क्या लिखा हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो सब कुछ जैसे लग रहा है वेदांत को सब कुछ पता है। बहुत हंसी भी लग रहा था वेदांत को देख के, मैं तो बेल्ट लगा नहीं पा रही थी लेकिन वेदांत बेल्ट लगा के बैठ गया था, बहुत ही हंसी आ रहा था मेरा ऊपर, खुद का ऊपर। तो चलिए वेदांत को देखिए और एंजॉय कीजिए मेरा व्लॉग।
रात के 2 बज गया है और वैदन हो गया है बहुत टायर्ड, इसलिए वैदन को अभी दूंगी दूध। उसके बाद वैदन थोड़ा सा सो जाएगा तो उसके लिए अच्छा है। और अभी फ्लाइट में खाना देना स्टार्ट हो गया है, तो चलिए अब आ गया है खाना और खाने में क्या क्या है आप लोगों को शेयर करते हैं। तो जो फूड था वो थाई फूड था और हलाल था। तो चलिए सबसे पहले दिखाते हैं पैकेट के अंदर क्या खाना है। तो एक राइस का आइटम था जो पोहा का तरह लग रहा था खाने में, टेस्टी था लेकिन। और एक फिश का आइटम था वो भी टेस्टी था, और उसके साथ 2 पीसेस क्यूकम्बर था और 1 पीस रेड बिल पेपर, येलो बिल पेपर और ग्रीन बिल पेपर और छोटा सा चिली टमाटो। और भी इसमें खाना था, एक छोटा सा बन और एक बटर छोटा सा पैकेट में। और देखिए इधर चिकन का एक आइटम, उसके साथ क्या था समझ में नहीं आया। एक केक था छोटा सा और पानी था और काजू का एक पैकेट था। तो हम लोग खा लेते हैं ना। और देखिए वैदान सो गया है, बहुत लेट हो गया था सोने में। और अभी तो हम लोग खा के थोड़ा सा आराम कर रहे थे। मेरा हस्बैंड तो सो गया था लेकिन मैंने सोई नहीं, मैं तो देखते देखते जा रही हूँ। ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था। और चलिए, और 1 घंटा तो हो गया और 1 घंटा बाकी है। लगभग टाइम लगा 2 घंटा कोलकाता टू बैंकॉक पहुँचने में। फाइनली हम लोग बात करते करते पहुँच गए हैं बैंकॉक, और अभी लैंडिंग होने का टाइमिंग हो गया है। तो फाइनली अच्छे से लैंडिंग हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो चलिए अभी सारा सामान सेट कर लेते हैं और अभी निकलते हैं एयरपोर्ट का तरफ। सारा सामान हम लोगों ने सेट कर लिया है और वैदान अभी सो के है, वैदान को उठाना पड़ेगा। तो वैदान को उठा दिया है और देखिए मेरे हस्बैंड वैदान को लेके आगे है और मैं सामान लेके पीछे में आ रही हूँ। तो चलिए अभी दिखाते एयरपोर्ट, सुवर्णभूमि एयरपोर्ट। अभी टाइमिंग है बैंकॉक का लोकल टाइम 6:30। तो चलिए अभी इमिग्रेशन का टाइमिंग हो गया है, तो अभी जाते हैं इमिग्रेशन का तरफ। बैंकॉक का 2 एयरपोर्ट है, एक है सुवर्णभूमि एयरपोर्ट और 2 नंबर है डॉनमियो एयरपोर्ट। डॉनमियो एयरपोर्ट थोड़ा सा छोटा एयरपोर्ट है, लेकिन सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जो था बहुत ही बड़ा था, बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट था। तो अभी हम लोग सामने की तरफ जा रहे इमिग्रेशन कहाँ हो रहा देखने के लिए। अभी इमिग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बेल्ट से लगेज उठाएंगे। इमिग्रेशन का तरफ हम लोग जब जा रहे थे तब कुछ ऑफिसर देखा हम लोगों का साथ, एक बच्चा है तो एक ऑफिसर हम लोगों को लेकर गए एक काउंटर पे जहाँ एकदम भीड़ कम था। 2 एक सीनियर सिटीजन था, बच्चा और सीनियर सिटीजन का तरफ थोड़ा अलग से ध्यान रखा गया है, कुछ भी जैसे प्रॉब्लम ना हो। तो 4-5 क्वेश्चन ऑफिसर ने पूछा जो कि बहुत सिंपल और इजी था। तो क्वेश्चन था जो कहाँ पर जाना है और कितना दिन रहना है, कौन सा जगह पे रहिएगा, होटल बुकिंग हुआ है नहीं है, रिटर्न टिकट कब का है। तो ये सब सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि बहुत आसानी से हो गया है। अब आ रहे वीज़ा का बात में। वीज़ा हम लोग लेके गए थे स्टिकर वीज़ा, इसलिए बहुत ही आसान हो गया था हम लोगों का ट्रिप। अगर आप लोग स्टिकर वीज़ा लेकर नहीं जा रहे हो, वीज़ा ऑनरेबल जा रहे हो, तो खर्चा तो ज़्यादा पड़ेगा और टाइम भी आपका बहुत जाएगा, लॉस होगा। 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम पकड़ के चलिए, आपका एक्स्ट्रा टाइम चले जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप लोग स्टिकर वीज़ा इधर से ले जाने का, तो आपका सफ़र होगा आसान। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी हम लोग आ गए सुवर्णभूमि एयरपोर्ट और अभी इंडियन टाइम है 4:40 लेकिन इधर टाइमिंग है 6:40। और हम लोग का सब कुछ कम्प्लीट हो गया, इमिग्रेशन जो बहुत ही जल्दी हो गया, जितना हम लोग सोच रहे थे देर होगा क्या होगा पता नहीं। हम लोग तो फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे हस्बैंड पहले आते थे लेकिन बहुत दिन बाद आए, 5-7 साल होगा, 5-7 साल हो गया लगभग। हम ये 15-20 बार आगे आए हैं, अभी हम आए, आना जाना नहीं, 3-4 साल से हमारा बंद था आना जाना, अभी आए तो शादी हो गई, 4.5 साल हो गया, तो फर्स्ट टाइम आए हैं शादी के बाद। हम लोग बेल्ट से माल उठाते, बैग उठाते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करेंगे कहाँ से करेंसी चेंज करना है, कहाँ से सिम लेना है, पहले इधर बैग उठा लेते हैं फिर आप लोगों से बात करते हैं। बहुत ही टेंशन लग रहा था, फर्स्ट टाइम मेरा इंटरनेशनल ट्रिप है, लेकिन बहुत अच्छा से हो गया है, बहुत इजीली इजी था, पता नहीं था इतना इजी होगा।
स्टैंड है एयरपोर्ट में, क्या का ले आना बैंड है। तो देखिए इधर बहुत कुछ रेप्टाइल्स है और फ्रूट्स है, फ्लावर है, तो ये सब ले आना बैंड है। तो चलिए इस ब्लॉग में इधर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।